लोग जो है 5 सितंबर को हम लोगों के लिए टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हो ना? यस टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम सब लोग। हम भी करते थे अपने बचपन में अपने टीचर्स को। तुम लोग इतने सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाते हो, विश करते हो, क्यों करते हो? मैं आपको खुश करूँ, बस खुश करने के लिए। और अच्छी ठीक है, टीचर जो है आप लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, नई बातें शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, ठीक है, आपका भविष्य संवारते हैं, एजुकेट करते हैं ना, उनको धन्यवाद करने के लिए, उनके लिए आदर दिखाने के लिए आप लोग टीचर्स डे पे विश करते हो टीचर्स को। लेकिन 5 सितंबर को ही क्यों करते हो? 5 तारीख को ही क्यों करते हो? 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर को क्यों नहीं करते? 5 अक्टूबर, 5 नवंबर जो कोई भी डेट हो सकती थी, वो इसीलिए क्योंकि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है, इनका बर्थडे होता है, इनका बर्थडे होता है ये 5 सितंबर, 5 सितंबर 1888 को पैदा हुए थे। अब ये है कौन? ये टीचर थे, दार्शनिक थे, महान थे, बहुत महान व्यक्ति थे, और ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है, पहले कौन थे? मैम डा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ही थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट, याद रखा करो ये नाम, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के जनक थे, ये तुम लोग 8th में पढ़ोगे। लेकिन ये जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो है बर्थडे होता है, तो क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स जो है इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए 5 सितंबर, तो इन्होंने बोला कि बच्चों आप लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आप लोग इसको टीचर्स डे के रूप में मना, ठीक है, बर्थडे के लिए उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इसको कहा जैसे एज अ शिक्षक दिवस टीचर्स डे के रूप में मनाओ। तो हम इनका बर्थडे मतलब इनको ये मेमोरी, इनकी मेमोरी में इनको याद करते हुए 5 सितंबर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अभी तक आप याद रखोगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म दिवस होता है ये 5 सितंबर 1888 को पैदा हुए थे, और ये सेकंड प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और ये भारत रत्न से भी सम्मानित हुए थे, भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ठीक है, याद रखिए बातें। यस मैम।